नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जय श्री राम, जय महाकाल, जय बजरंगबली। दोस्तों वेलकम बैक आपके अपने चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। भाद्रपद अमावस्या के दिन झाड़ू के नीचे दबा देना ये चीज़ें, इतना धन आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। आने वाली सात पीढ़ी करेगी पैसे पर राज। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सनातन हिंदू परंपरा में भाद्रपद अमावस्या व्रत का विशेष महत्व है। इस साल भाद्रपद माह में यह व्रत 14 सितंबर के दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस अमावस्या के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर बार जो अमावस्या आती है उस अमावस्या में भाद्रपद सबसे खास अमावस्या होती है। इस बार भाद्रपद अमावस्या का जो समय आया है वो पूरे 55 साल बाद आया है। 55 साल बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग इस भाद्रपद अमावस्या पर पड़ रहा है, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या के दिन व्रत स्नान दान की विधि का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इसी के साथ पीपल की पूजा का भी विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष एक देव वृक्ष होता है, इसलिए इस दिन अगर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया जाए तो हमें साक्षात ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहें तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए भाद्रपद अमावस्या का ये जो दिन आया है ये 55 साल बाद आया है। बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। देखिए अमावस्या का जो दिन है वो हर साल आता है, भाद्रपद अमावस्या हर साल आती है, लेकिन इस बार की भाद्रपद अमावस्या बहुत ही खास होने वाली है। और इस अमावस्या के दिन अगर आप थोड़ी सी पूजा साधना कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, कुछ उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इन उपायों से आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। देखिए आपको जो हम बताएंगे वो बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र से, पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ पर धन की हानि
होती है क्योंकि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास माना गया है। कहा गया है विद्वानों के हिसाब से कि भाद्रपद अमावस्या के दिन जिस व्यक्ति ने भी झाड़ू के उपाय किए हैं उसको माता लक्ष्मी साक्षात आशीर्वाद देती है और भगवान विष्णु जी की कृपा उस व्यक्ति पर बन जाती है। देखिए दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन में पूजा होगी भगवान भोलेनाथ की और शाम को पूजा होगी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की। जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, यह भाद्रपद अमावस्या का दिन पूरे 55 साल बाद आया है। मतलब 55 साल बाद इस भाद्रपद अमावस्या पर 18 तरीके के योग्य बन रहे हैं। अमृत योग, पंचांग योग और स्वत और स्वर्ग योग, मतलब 18 योग ऐसे बन रहे हैं जिनका बस आपको फायदा उठाना है, लाभ उठाना है और मान के चलिए आपके जीवन में से कई तरह के परेशानी खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए परेशान थे, आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान थे, एक अच्छी संतान, विद्वान संतान कि आपको प्राप्ति हो जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां चली जाएंगी क्योंकि भाद्रपद अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का हमको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस आपको झाड़ू का वो उपाय करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप 3 झाड़ू खरीद सकते हैं दोस्तों, 3 झाड़ू खरीदने के मात्र से मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका और आपके पूरे परिवार का भला हो सके। इसलिए दोस्तों, कॉपी, पेन, किताब ले लीजिए। जितना भी जानकारी आपको दी जा रही है इनको कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये उपाय सिर्फ आप एक दिन कर सकते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब हम साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए अब आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं। इसलिए पहले तो कहीं इसको कहीं लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको दिन के समय किसी भी शिवालय जाना है। शिवालय जाकर किसी भी शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है, एक लोटा जल अर्पित कर देना है। सिर्फ यहाँ 2 चीज़ें आपको करनी हैं और ओम नमः शिवाय का जाप आपको 108 बार करना है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक लोटा जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जो जल आप अर्पित कर रहे हैं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिला हो, इतना बस आपको कर देना है। दोस्तों, अगर आप इतना भर कर देते हैं तो मान के चलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से परेशानी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और ये बात तो आप भी जानते हैं, देवों के देव महादेव अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दिन के समय अपने ये पूजा कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपके पास हमने जैसा आपको शुरू में बताया था 3 झाड़ू आपको खरीदनी है। 2 झाड़ू किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान कर देना है। इससे होगा क्या, आपके जो ग्रह होंगे वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति के भी ग्रह उसका साथ देते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई निर्णय जो वो लेता है वक्त बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने किसी भी मंदिर में जा कर के 2 झाड़ू दान कर दिया तो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके ग्रह हैं, आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको सफलता प्राप्त होगी। शाम के वक्त आपको किसी भी पीपल के पेड़ पर जा करके एक लोटा जल अर्पित कर देना है और भगवान विष्णु
जी का बीज मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लेना है। इतना करने भर मात्र से मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आपका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाद्रपद अमावस्या के दिन, जिसके बाद आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होगा। दो उपाय हम आपको बता चुके हैं, अब तीसरा उपाय जो उपाय है ये कि एक ऐसा उपाय दोस्तों जिसको अगर आपने कर लिया साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से धन संबंधित हर परेशानी चली जाएगी। तो देखिए झाड़ू से जुड़ी हुई है, सबसे पहले जो आप ये बात जान लीजिए कि झाड़ू जो होता है उसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि जो झाड़ू होती है उसको कभी भी हमें गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। मान लीजिए झाड़ू पर अगर कभी भी आपका पैर लग जाता है तो झाड़ू के सामने आपको नतमस्तक होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा, झाड़ू को हमें कभी भी घर के ऐसे कोने में नहीं रखना चाहिए जिससे बाहरी लोग आकर उसको देख सकें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू कभी भी खड़ी करके घर में नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखनी चाहिए। अब एक बात जान लीजिए कि आपको अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि घर को झाड़ू जो होती है वो उत्तर पश्चिम दिशा में रखी जाती है। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का लाभ होगा, और पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये चीज़ें थी जो झाड़ू के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा कैसी करनी है। भाद्रपद अमावस्या के दिन बहुत सरल से पूजा दोस्तों, बहुत आसान से पूजा है। बस आपको ध्यान लगा करके माता लक्ष्मी जी को याद करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माँ लक्ष्मी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों, जो आपके घर का पूजा घर है, पूजा घर पे आपको बैठना है, माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा सरसों के तेल का दीपक नहीं होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए। घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ना माता लक्ष्मी जी के सामने, आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आपको अब आपको एक लाल कपड़ा रखना है, लाल कपड़े पर भी मुट्ठी चावल, दो इलायची, तीन काली मिर्च, पांच लौंग, एक चुटकी हल्दी और एक ढक्कन सिंदूर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों आधी मुट्ठी चावल, दो इलायची, तीन काली मिर्च, पांच लौंग, एक चुटकी हल्दी और एक ढक्कन सिंदूर यहाँ रख के आपको कपड़े को मौली धागे से बांध देना, ताकि सिर्फ इतना आपको करना है, अब रात के समय जब आप सोने जा रहे हैं इसी कपड़े को उठाना है उजागर से और किसी भी झाड़ू के नीचे दबा करके रख देना, आपको सो जाना है। मंगलवार की सुबह आपको उठना है, आपको नहाना है, धोना, नहाने धोने के बाद उस झाड़ू के नीचे जो कपड़ा आपने दबा करके रखा है इस कपड़े को उठा करके अपनी किसी भी तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ भी आप पैसे का लेन देन करते हैं या व्यापार करते हैं तो या व्यापारी हैं तो व्यापार में जहाँ से भी पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पे रख दीजिए। अब मान के चलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद धन संबंधित हर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज से हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, आप इतना आगे जाएंगे
जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तो दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन झाड़ू का ये उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करेंगे। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, तुरंत ही जाकर वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।